मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दिशा प्रणय नागवंशी ने विधानसभा उपचुनाव के मतदान के दौरान कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की दी जानकारी। लोगों से इन दिशा निर्देशों के पालन करने की अपील भी की। कमलनाथ की कथित टिप्पणी पर विरोध दर्ज कराते हुए आज पूरे प्रदेश में भाजपा द्वारा मौन धरना दिया गया और कांग्रेस को सद्बुद्धि मिले ऐसी कामना शक्ति की देवी से की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पोहरी के बैराड़ में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता रहे उपस्थित। इंदौर में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री, सांसद, विधायक, भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष समेत भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने मौन व्रत धरना दिया। सिंधिया की सभा में किसान की मौत व भाजपा की मृत संवेदनाओं के विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ग्वालियर में दिया धरना। पूर्व मंत्री सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी जन रहे उपस्थित। आज खंडवा जिले के मानधाता में हुई कमलनाथ की सभा, कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह के समर्थन में जन समुदाय को किया संबोधित। नैनपुर के रेवाड़ा में नवजात बच्ची मिली। सुबह सुबह 5 बजे रंगमंच के पास कोई नवजात बच्ची को बोरी में लपेटकर छोड़ गया था। बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ है। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर जिला भाजपा मंडला द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया गया। सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुआ यह मौन धरना दोपहर 12:30 बजे तक जारी रहा। जिला पंचायत सीईओ ने जिले की सभी पंचायतों के ग्राम प्रधानों से रोजगार एवं अन्य कार्यों के लिए बाहर जाने वाली बालिकाओं एवं महिलाओं की संपूर्ण जानकारी पंचायत में संधारित करने में सहयोग करने की अपील की। आंगनवाड़ी केंद्रों में मनाया गया किशोरी जागरूकता सप्ताह। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में किशोरियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम किए गए आयोजित।